हेलो हेलो बच्चों, सभी से नमस्कार। कक्षा 5 में आज पाठ 4 हम भी सीखे। ये कक्षा 5 में हिंदी में पाठ 4 पढ़ाना है, तो पाठ 4 में है हम भी सीखे। पाठ 4 में आपका पाठ 4 हम भी सीखें। तो इसमें देखें बच्चों, सबसे पहले ये कविता है हमारी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये कविता है हमारी। इस कविता को ध्यान से पहले बच्चे देखें, पढ़ें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। तो अच्छी लाइन है बच्चों, देश हमें देता है सब कुछ। ये कविता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। भूख मिटाने को सबकी धरती पर होती खेती, औरों का भी हित हो, जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। औरों का भी हित हो जिसमें हम कुछ करना सीखे। पथकों को जलती दोपहर को जलती दोपहर पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरबू के जीवन से त्यागी तरबू त्यागी तरबू के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। हम भी तो कुछ जीना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको बाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। नया उजाला करना सीखे। गोपाल कृष्ण कौल इस कविता के रचयिता कौन है बच्चों? गोपाल कृष्ण कौल। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरबों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं,
प्यासी मिट्टी को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। गोपाल कृष्ण कौर, इस कविता के रचयिता गोपाल कृष्ण कौर, गोपाल कृष्ण कौर है। गोपाल कृष्ण कौर तो हम भी सीखे पाठ में बच्चों, देश, ये देश हमें सब कुछ देता, ये देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने के लिए ये धरती माता अन्न देती है, भूख मिटाने के लिए ये धरती माता अन्न देती है। ऐसा हम भी करें, ऐसा हम भी करें, पेड़ छाया नए फल और सुगंधित फूल देते हैं, पेड़ छाया नए फल और सुगंधित फूल देते हैं। त्याग करने वाले पेड़ों से, त्याग करने वाले पेड़ों से हम भी कुछ करना सीखें, हम भी कुछ करना सीखें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो गूंगे हैं उन्हें वाणी दें। हम अपनी मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। पद्यांश में देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा हमें नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबको धरती पर रोटी खेती। तो इसमें बच्चों प्रसंग में देखें, जरा प्रसंग में आता है आपका प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक भारती के हम भी सीखे नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल है। इस कविता में कवि ने त्याग, सेवा और सहयोग, इस कविता में कवि ने क्या क्या बताया बच्चों, त्याग, सेवा और सहयोग, त्याग, सेवा और सहयोग की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। प्रस्तुत पद्य में कौल जी ने हम भी सीखे नामक कविता से लिया गया। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल है। कविता में कवि ने त्याग, सेवा और सहयोग की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। अब इसका, इन लाइनों का अर्थ देखें। कवि कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, कवि कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, हम भी उसे कुछ देना सीखें। सूरज रोशनी, हवा नया जीवन, भूख मिटाने के लिए ये धरती हमें अन्न देती है, भूख मिटाने के लिए ये धरती हमें अन्न देती है, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। कभी कहते हैं कि देश में, कभी कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, हम भी उसे कुछ देना सीखें। सूरज रोशनी, हवा नया जीवन, भूख मिटाने के लिए ये धरती हमें अन्न देती है, हम भी तो कुछ देना सीखें।
अगली लाइन है बच्चों, ध्यान से देखें, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया, हमको नए फलों की माया। ये कविता की दूसरी पंक्ति है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं सबको, हम सबको नए फलों की माया। तो इसमें बच्चों देखे प्रसंग आपका, इसके पहले हमने जो बताया है प्रसंग ठीक वही होगा। प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक भारती के हम भी सीखे नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल है। कविता में कवि ने त्याग, सेवा और सहयोग की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। ये प्रसंग है आपका। उत्तर में देखें इस कविता की लाइनों का सरल उत्तर देखें। कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि जिसमें सबकी भलाई हो ऐसा हम सब कुछ करना सीखें। कवि कहते हैं कि जिसमें सबकी भलाई हो ऐसा हम कुछ करना सीखें। राहियों को जलती दोपहरी में जो पेड़ छाया देते हैं, सुगंधित पुष्प और नए फल प्रदान करते हैं, उनकी हमें भी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हमें भी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह की सीख से हमें भी सीख लेना चाहिए। अगला तीसरा पॉइंट है आपका, कविता का तीसरा पॉइंट देखें। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। त्यागी तरुणों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दे, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। तो इसमें बच्चों ये लाइन का तीसरा पॉइंट है, इसमें प्रसंग आपका पूर्वक कैसे, जैसे हमने बताया था प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के हम भी सीखे नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल हैं। कविता में कवि ने त्याग, सेवा और सहयोग की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। अब इसमें इन लाइनों का सारांश है, कवि कहते हैं कि त्याग करने वाले पेड़ों से हम भी कुछ जीना सीख लें, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम पढ़ाएं, तथा जो किसी कारण चुप है उनको अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, जो पिछड़ गए हैं उन्हें आगे बढ़ाएं, जो प्यासी मिट्टी है उसको पानी देकर सींचे। तो बच्चों कवि कहते हैं कि त्याग करने वाले पेड़ों से
हम भी कुछ जीना सीख लें, त्याग करने वाले पेड़ों से हम भी कुछ जीना सीख लें। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको हम पढ़ाएं, तथा जो किसी कारण चुप है उनको अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, जो पिछड़ गए हैं उन्हें आगे बढ़ाएं, जो प्यासी मिट्टी है उसको पानी देकर सींचे। हम मेहनत के दीप जलाएं और मेहनत करके नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले आपका ये है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में हमने बताया था आपको कि अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं, कि हम उन्हें पढ़ाएं। धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, धरती है, धरती हमें भूख मिटाने के लिए अन्न देती है, फल और सुगंधित फूल देती है। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं, पेड़ हमारी सेवा अपनी छाया तथा फल देकर करते हैं। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न है। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों, देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों। देश को हम भी मेहनत करके दीप जलाकर नया उजाला देना चाहते हैं, देश को हम भी मेहनत करके दीप जलाकर नया उजाला देना चाहते हैं। देश देता है हमें, देश देता है हमें सब कुछ से क्या अभिप्राय है। कविता सब कुछ से अभिप्राय है कि देश हमें हवा पानी सूरज की रोशनी अन्न धन फल फूल आदि सब कुछ देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है। हाँ तो बच्चों देखें, इसमें सबसे पहले आपको इसमें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से पूछ कर लिखें, हित भलाई। तो पहला बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका होगा बोध प्रश्न, ये नोट करें। बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न में देखें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से शब्दकोश से पोस्ट कर लीजिए।
खोज कर लिखिए। हाँ बोध प्रश्न है, पहला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्द कोश से कोश कर लिखे। तो पहला है आपका हित, हित माने होता है भलाई, हित माने भलाई, हित माने भलाई। दूसरा है पथिक माने राही, पथिक मीन्स राही। पथिक माने राही, तर माने पेड़, तर पेड़, तर माने होता है पेड़, तर माने पेड़। खुशबू माने सुगंध, खुशबू माने सुगंध, खुशबू माने सुगंध। त्याग छोड़ना, त्याग माने होता है छोड़ना। त्याग छोड़ना, माया मोह, माया भी छोटा है मोह, माया मोह। क्या माया वाणी, वाणी माने होता बोली आवाज, वाणी। बोली, बोली या आवाज, आवाज वाणी, बोली आवाज। उसके बाद है अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा। ये आपकी शब्दावली है। इसमें सबसे पहले भी भलाई, पथिक, राही, तर, पेड़, खुशबू, सुगंध, त्याग छोड़ना, माया मोह, वाणी बोलिया आवाज, अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रश्नोत्तर। यहां से शुरू होगा आपका प्रश्नोत्तर। प्रश्न है आपका पहला, प्रश्न नंबर एक, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति, अनपढ़ व्यक्तियों, व्यक्तियों के प्रति, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य है। ये प्रश्न है आपका बच्चों, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न है। उत्तर में देखें, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति, उत्तर में अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति
अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं कि हम उन्हें पढ़ाएं अगला प्रश्न आपका होगा प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर दो, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। धरती से हमें क्या 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 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका दूसरा, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। उत्तर में देखें, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। धरती हमें भूख मिटाने के लिए अन्न देती है। भूख मिटाने के लिए अन्न देती है। इसके बच्चों देखें, पहला ये धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। उत्तर में देखिए बच्चों, धरती हमें भूख मिटाने के लिए अन्न देती है, फल और सुगंधित फूल देती है, सुगंधित फूल देती है, सुगंधित फूल देती है। आपको देखिए, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। धरती हमें भूख मिटाने के लिए अन्न देती है, फल और सुगंधित फूल देती है। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। प्रश्न है नंबर तीसरा है आपका, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका बच्चों, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। पेड़ हमारी सेवा, उत्तर में देखे, पेड़ हमारी सेवा अपनी छाया
अपनी छाया तथा फल देकर करते हैं, छाया तथा फल देकर करते हैं। ये आपका उत्तर हुआ, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। उत्तर में आता है पेड़ हमारी सेवा अपनी छाया तथा फल देकर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार में पिछले व्यक्तियों के प्रति पिछड़े व्यक्तियों के प्रति पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है। ये क्वेश्चन है बच्चों, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति। उत्तर में देखें पिछड़े व्यक्तियों प्रति पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है, पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है, पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम उन्हें कि हम उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें, हम उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। ये हो गया पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। प्रश्न एक है, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। धरती हमें भूख मिटाने के लिए अन्न देती है, फल और सुगंधित फूल देती है, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं, पेड़ हमारी सेवा पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। अब इसमें देखें प्रश्न अगला है आपका पांचवा, प्रश्न नंबर है पांच। प्रश्न नंबर पांच है इसमें देश को आप क्या देना चाहते हैं, देश को आप क्या देना
चाहते हैं। हाँ, देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों, और क्यों देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं और क्यों क्या देना चाहते हैं और क्यों। उत्तर में देश को हम भी मेहनत करके देश को हम भी मेहनत करके देश को हम भी मेहनत करके दीप जलाता दीप जलाता दीप जलाता देश को हम भी मेहनत करके दीप जलाता दीप जलाता नया उजाला देना चाहते हैं। दीप जलाकर नया उजाला नया उजाला देना चाहते हैं देना चाहते हैं। देश को हम भी मेहनत करके दीप जलाकर नया उजाला देना चाहते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। नमस्कार।